विपक्ष अक्सर ये प्रोपेगेंडा करता है कि मोदी राज में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, डर का माहौल। पटना में जब विपक्ष एकता की बैठक हुई, विपक्षी एकता की, तो सभी दलों के नेता लोकतंत्र के खतरे में होने का नैरेटिव बनाने लगे। उसी बैठक में ममता बनर्जी भी लोकतंत्र की दुहाई दे रही। कुछ बुद्धिजीवियों, सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों ने अवार्ड वापसी की थी एक जमाने में कि डर का माहौल है। लेकिन आप देखिए कि डर का माहौल होता कैसा है, ममता बनर्जी के राज में हो क्या रहा है। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव है, चुनाव प्रचार के लिए 10 दिन बचे हैं, और आज की डेट में हालत सुनिएगा। बंगाल में पंचायत चुनाव में विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवार इतने डरे हुए हैं कि वो अपने पार्टी दफ्तर में बैठे हुए शरण लेकर घर ही नहीं जा रहे भाई। उनको लगता है पार्टी दफ्तर में है या 4 लोग हैं तो हम सेफ हैं, घर जाएंगे पता नहीं कौन रास्ते में मार दे, क्या हो जाए, इतना डरे हुए हैं वो लोग। कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जो डर के मारे या तो घर से नहीं निकल रहे या अपने घर ही नहीं जा रहे। पंचायत चुनाव में जो हिंसा हुई है उससे कुछ उम्मीदवार प्रचार करने की बजाय अंडरग्राउंड हो गए, और ये सब हवा हवाई बातें नहीं है। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम बंगाल के साउथ 24 परगना गई थी। साउथ 24 परगना चुनाव हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। यहां हमारी टीम ने देखा कि कैसे बीजेपी दफ्तर में पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों ने पनाह ले रखी, घर जाने को तैयार नहीं है ना गांव जाने को तैयार है। हमारी टीम साउथ 24 परगना के बीपुर इलाके में बीजेपी दफ्तर पहुंची तो हमने देखा कि पंचायत चुनाव के उम्मीदवार कैसे वहां रह रहे, गद्दा उद्दा बिछा के, ऑफिस को घर बनाया हुआ है, पार्टी दफ्तर के अंदर गद्दे लगे हुए हैं, उम्मीदवार पूरा दिन अपना यहीं बिता दे रहे हैं जबकि अभी इन्हें जनता के बीच जाकर प्रचार करना चाहिए, लेकिन ये इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि घर जाएं। इनका आरोप है कि इन्हें धमकियां मिल रही हैं, इन पर हमला हो चुका है। हमारी टीम ने जब एक बीजेपी नेता से बात की तो वो रोने लगा, बताने लगे कि डर का ऐसा माहौल है कि वो अपने घर जा नहीं पा रहे। देखिए, इलेक्शन जब आता है 8 टाइम देखते हैं हम लोगों के ऊपर एक्शन होता है, कभी बम मारता है, कभी पिस्टल दिखाता है, कभी घर से निकाल दे देता है। अभी तक जो रिलेशन चल रहा है, जो शुरू हो गया, हम लोग अभी तक गांव में पूछा भी नहीं कर नहीं पा रहा है, गांव में जा नहीं पा रहा है, कोई प्रोटेक्शन भी नहीं मिल रहा है। हम लोग सोच रहे जो जो इलेक्शन हो रहा है ना, क्या खून कारोबार चल रहा है बंगाल में, क्या हालत है। हम लोग ऊपर इतना प्रेशर, इतना धमकाया रहा, मेरा फोन से हर टाइम घर भंग दे रहा है, मेरा तो घर तोड़ देंगे, मार देंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे धमकी आया, मेरा रिकॉर्ड भी है, हम पुलिस स्टेशन में भेजा, मेरा जिला सभापति भी भेजा, सब कुछ भेजा, लेकिन कोई प्रोटेक्शन किसी से मिल नहीं पा रहा। जब बोल रहा है थाना में पुलिस आ रहा है, जाके उन लोगों के साथ बैठ के चा पी के चल रहा है, जो लोग मार रहा है उन लोगों के साथ बैठ के बीच के चा पी के चला रहा है। हम लोग किसी ऊपर भरोसा करके इलेक्शन में चलेंगे, यही हम लोग सोच रहे हैं। हिंसा की पुरानी तस्वीरें आपने देखी और मौजूदा डर देखा, और दोनों को कोरिलेट कर लीजिए, ये डर क्यों है। सिर्फ बीजेपी नहीं, बंगाल में लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार भी डरे हुए। हमारी टीम नॉर्थ 24 परगना में सीपीएम के दफ्तर गई, जहां जिला परिषद के उम्मीदवार प्रद्युत रॉय ने शरण लेकर रखी। सीपीएम के उम्मीदवार प्रद्युत ने हमें बताया कि वो इतने डरे हुए हैं कि इस वक्त बाजार भी नहीं जा सकते। सीपीएम उम्मीदवार ने बताया कि टीएमसी के नेता उन्हें धमकाते हैं, पुलिस ने एक्शन लेने की बजाय उन्हीं पर केस कर दिया है। सीपीएम दफ्तर में बैठे लेफ्ट नेता का क्या कहना है, सुन लीजिए। तृणमूल पार्टी विद द हेल्प ऑफ होल एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर अनलीशिंग अनब्रिडल्ड एट्रोसिटीज एंड टेरर। सो राइट नाउ वी आर नॉट इन ए पोजिशन टू कैंपेन, दे अटैक विद आर्म्स इनसाइड अवर पार्टी ऑफिस एंड मेनी ऑफ अस वाउंडेड, सीरियसली वाउंडेड एंड गॉट एडमिटेड इन हॉस्पिटल। Yeah, date of nomination. We intend to go to the BD office for filing the nomination, but they didn't allow us. They lodged FIR against us. 21 people who were supposed to be the candidate of our party. ये देश में एक राज्य का हाल है। पंचायत चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट डर के मारे दुबके पड़े।
लेफ्ट के नेता का भी यही हाल है, लेकिन वो लेफ्ट जो देश में बीजेपी शासित राज्य में कुछ हो जाए तो मोमबत्ती जलाकर जो है वो सड़क पर उतर आते हैं, लेके रहेंगे आजादी, वो यहां गायब हो गए। देश भर में कोई प्रदर्शन देखा आपने कि बंगाल पर लेफ्ट जो है वो मोमबत्ती जलाए, इस हिंसा से लेकर रहेंगे आजादी के नारे लगाए? ना, बीजेपी और सीपीएम पार्टी ने टीएमसी पर जो आरोप लगाए वो बहुत गंभीर है, इसलिए हमने इस पर टीएमसी से भी उनका पक्ष जाना। टीएमसी के उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार ने कहा कि अपनी हार को छिपाने के लिए बीजेपी ये सब झूठ फैला रही है। एक बार टीएमसी का पक्ष भी सुन लीजिए। हैव दे लॉज्ड कंप्लेंट विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ वेस्ट बंगाल? दैट इज द वाइटल क्वेश्चन, बिकॉज इफ इट्स अ नैरेटिव ऑफ बीजेपी पार्टी इटसेल्फ, आई थिंक इट्स प्रीपोस्टरस, एंड बीजेपी इज ट्राइंग टू क्रिएट सच ए नैरेटिव बिकॉज दे डोंट हैव कनेक्टिविटी विथ पीपल, दे डोंट हैव देयर ऑर्गेनाइजेशन, बूथ लेवल ऑर्गेनाइजेशन, एंड ईच बूथ हैज अ कैंडिडेट। सो इन व्यू ऑफ दैट थिंग इट सीम्स दैट बिकॉज आई मीन टू सप्रेस एंड टू कवर अप their deficiencies in organization and elsewhere, they are creating such stories. yani Trinamool Congress ke neta ka dawa hai ki BJP ke paas ground par log nahi hai, left ke paas log nahi hai, wo haarne wale hain, isliye sab tamasha aur natak kar rahe hain. theek hai, maan liya, lekin abhi haal mein Kolkata High Court ne zabardast phatkar lagayi thi Mamata sarkar ko, uske bare mein aage bataunga वो क्या कर रहे थे। टीएमसी का दावा है कि इस बार पंचायत चुनाव में 230,000 नॉमिनेशन हुए, जो बंगाल के इतिहास में सबसे ज्यादा है, और विपक्ष ने टीएमसी से डेढ़ गुना ज्यादा नॉमिनेशन किए, लेकिन ये आंकड़े उन हिंसा की तस्वीरों से मेल नहीं खाते जो कुछ दिन पहले बंगाल से आई थी। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा है कि 8 जून से अब तक 10 मौतें हो चुकी हैं, 50 लोग घायल हो चुके हैं। बंगाल के पंचायत चुनाव में कुल 74,000 सीटों पर मतदान होगा, इसमें से 9.5% यानी 7,000 सीटों पर कोई कैंडिडेट ही नहीं है। 2018 में 34% सीटों पर टीएमसी बिना लड़े जीत गई थी। ममता बनर्जी की सरकार और उनकी पार्टी टीएमसी भले ही कुछ भी कहें, लेकिन जिस तरह से बंगाल में हिंसा हो रही है उससे उम्मीदवारों में डर का माहौल है, और इसी वजह से 7,000 सीटों पर किसी उम्मीदवार ने नामांकन तक दाखिल नहीं किया। पंचायत चुनाव से पहले हो रही हिंसा पर कुछ दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को फटकार भी लगाई। हाईकोर्ट ने कहा था कि चुनाव से पहले जिस तरह से हिंसा हो रही है वो राज्य के लिए शर्मनाक है, इतना खून खराबा हो रहा है तो चुनाव ही रोक देते हैं, ये हाईकोर्ट ने कहा था। लेकिन इस पर देश भर में कोई हंगामा नहीं होगा, क्योंकि ममता बनर्जी विपक्षी एकता का एक बड़ा चेहरा, यही करा लीजिए किसी बीजेपी शासित राज्य में, फिर देखिए कैसे हंगामा होगा, कैसे राहुल गांधी पहुंचेंगे। बंगाल गए राहुल गांधी ना? खैर, हंगामा